मेरे पास एक गिलास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है पीने वाला, और अगर मैं बोलूं आपको कि इस पानी से मैं इस कंक्रीट को कट कर सकता हूं इस टाइप से गिराने पर, असंभव। भाई आप ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप सभी को पानी की ताकत का अभी तक नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। देखो सिंपल सा है, आप सभी ने बड़ी बड़ी नदियां देखी होगी जो कि पहाड़ों के बीच से निकलती है और बड़े बड़े पहाड़ को नदियां कट कर देती है, वो सारा का सारा जो है पानी से ही कट होता है। लेकिन यार उन पहाड़ों को कटने में लाखों साल लग जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि पानी को जो है हाई स्पीड में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं तो वहां पर जो पानी उस चीज को कट कर देता है, और ये जो काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वाटर जेट से कटिंग की जाती है। अगर हम पानी को डायरेक्टली इस कंक्रीट के ऊपर डालते हैं तो ये नहीं कटेगा और यहाँ पर बह के चला जाएगा, क्योंकि पानी जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं हाथ के ऊपर भी डालूंगा तो यहाँ पर हमारे हाथ के ऊपर से बह के चला जाएगा। लेकिन हम इस पानी को हाई स्पीड से इस कंक्रीट के ऊपर या फिर मेरे हाथ के ऊपर डालेंगे तो मेरा जो हाथ कट सकता है और यहाँ पर कंक्रीट भी कट सकता है। इसीलिए पानी को हाई स्पीड में फेंकने के लिए हमारे पास ये मशीन है। एक नॉर्मल सी मशीन है जो कार वॉशर में बाइक वॉशर में काम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से एक पाइप आ रहा है जो कि यहाँ पर हमने इसके अंदर अटैच कर रखा है, और इसके अंदर जो नल से डायरेक्टली पानी आ रहा है और नॉर्मल स्पीड में आ रहा है। देख सकते हो नॉर्मल स्पीड में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर इस टाइप से लग जाता है और इसके अंदर जो नॉर्मल पानी आ रहा है इसके अंदर लगा हुआ है एक मोटर जिसके अंदर लगा हुआ है पिस्टन, और वो जो पिस्टन है उस पानी को हाई प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आप जो ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है जिसके अंदर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, और इस पाइप से कनेक्टेड है हमारी ये गन, और इस गन के आगे की साइड पे लगा हुआ है एक नोजल पतला सा जो कि यहाँ पर देख सकते हो इतना ज्यादा जो पानी है इस पानी को प्रेस करके यहाँ पर इस छोटे से नोजल से निकालता है जो कि काफी हाई प्रेशर में बाहर की साइड में निकलता है। और जैसे मैं इस रेड कलर के बटन को प्रेस करूंगा तो आगे की साइड में नोजल से हाई प्रेशर वाटर निकलेगा, और भाई ये ज्यादा प्रेशर के अगर मैं इसके सामने हाथ रखता हूं तो मेरी उंगलियों को चोट लग सकती है। आपको यहां पर चला कर दिखाता हूं, और आपको एक चीज और दिखा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। जैसे मैं इस पाइप को हटाऊंगा ना तो यहां से जो पानी निकलेगा उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। यहां पर दिखाओ, ये देखो इसके अंदर नॉर्मल सा पानी निकल रहा है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। अगर मैं इसके सामने की साइड में हाथ रखूंगा ना इस टाइप से, ये कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई यहाँ पर अगर इसको इस टाइप से लगा देते हैं हम, और उसके बाद में जो पानी इतना ज्यादा मोटी धार आ रही थी उस मोटी धार को यहाँ पर क्या इस नोजल के पतले से नोजल से निकाला जाता है, उसके अंदर और भी ज्यादा प्रेशर बन जाता है। मैं सबसे पहले आपको एक खीरा कट करके दिखाता हूँ ताकि इसका पावर आपको पता लग जाए। यहाँ पर हमें इसको कट करने से पहले एक हेलमेट लगा लेते हैं, यहाँ पर जो इसका इतना ज्यादा प्रेशर है कि कुछ भी चीज अगर हमारे आंखों में चली गई इससे उछल कर तो हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। दूसरा हम यहाँ पर जो है ग्लव्स भी पहनेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा प्रेशर है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर इसको कट करते हैं। भाई साहब खीरा जो है ना इसने मक्खन की तरह कट कर दिया, मतलब ऐसे अड़ाते से चक्कू काटता है ना उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से कट कर दिया, और इस खीरे को हम खा भी सकते हैं क्योंकि इसको पानी से कट करा है। तो भाई अब यहाँ पर लौकी कट करने वाले क्योंकि लौकी जो है इससे थोड़ी मजबूत होती है, और यहाँ पर कट करके देखते हैं ये कट होती है या फिर नहीं होती है। भाई साहब लौकी तो देख सकते हो यार, यहाँ पर जो है लौकी का तो हलवा बना दिया इसने बहुत अच्छी तरीके से, और काफी अच्छी तरीके से कट कर रहा है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हम एक करेले को कट करेंगे, करेले का खोल जो है थोड़ा मजबूत होता है, और भाई इसको यहाँ पर कट करके देखते हैं कि यहाँ पर कट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अरे यार करेला जो है काफी ज्यादा कड़वा है यार भाई, ये कट तो आराम से गया लेकिन इसके अंदर जो कड़वाहट रहती है वो मुंह के अंदर चली गई है और काफी ज्यादा कड़वा लग रहा है। अब मूली को ट्राई करते हैं, मूली रह गई है तो मूली को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
गाइस अब मेरे पास एक आलू है और इस आलू से मैं चिप्स बनाने वाला हूँ। तो क्या पानी की मदद से हम चिप्स बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, फटाफट से देखते हैं। मैं नीचे की साइड में एक पत्थर रख रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो टाइल्स हमारे नीचे की साइड में खराब ना हो, और अब यहाँ पर इसको कट करते हैं। भाई साहब आप देख सकते हो कि हमारे आलू के चिप्स बन चुके हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो थोड़े से मोटे हैं लेकिन काम चल जाएगा, इजीली हम इनको खा सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज्यादा डिजाइन में बने, जैसे होता ना टेढ़े मेढ़े होते हैं, इस टाइप से यहाँ पर हमारे जो है आलू के अंदर भी डिजाइन बन चुका है और ये काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब इसके अंदर एक होल करेंगे, बीच में होल होता है या फिर नहीं होता है। भाई साहब आप देख सकते हो कि आलू के अंदर जो है बिल्कुल मिडल में मैंने होल कर दिया है, और इस होल को करने में कोई भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस पानी से इसको कट किया है। और इसके अंदर कोई भी धारदार चीज नहीं है, बस पानी से इसको कट किया है। तो गाइस सब्जियां तो है ना थोड़ी नाजुक होती है, तो इजीली कट हो रही है। अब इस जगह पर हम कोई दूसरी चीज कट करके देखते हैं जो कि थोड़ा मजबूत हो। भाई मेरे पास एक बॉक्स है जिसको मैं यहाँ पर कट करने वाला हूँ, और देखते हैं ये बॉक्स कट होता है या फिर नहीं होता। और ये जो बॉक्स है काफी ज्यादा मजबूत है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा मजबूत बॉक्स है। 1 2 3 स्टार्ट। यार थोड़ा मजबूती से पकड़, काफी ज्यादा प्रेशर है। अभी देखो अभी यहाँ पर इसने पकड़ा ना तो मतलब हिल गया है एकदम से। वापस से चालू करता हूँ मैं, तो उसको ना तीर से पकड़, क्योंकि अपने मुंह पे है ना बहुत भयंकर तरीके से धार आएगी तो इसे उड़ जाएगी उधर जाएगी। भाई साहब यार इसने तो पूरा दरवाजा बना दिया, खिड़की बना दी, और आगे से कट कराए और पीछे भी देखो, पीछे भी इंपैक्ट डाल दिया है, पीछे भी इसने होल कर दिया इस टाइप से। वापस इसको कट कर दे, पकड़ो। भाई साहब दो टुकड़े कर दिए हमारे पूरे बॉक्स के, आप देख सकते हो काफी मजबूत बॉक्स था लेकिन अब नहीं रहा। ये गत्ता तो इसने इजीली कट कर दिया है, गत्ता क्या है गलने के बाद में हो सकता है नरम हो गया इसलिए कट गया। यहाँ पर मेरे पास एक सन बोर्ड है और ये सन बोर्ड बना हुआ है प्लास्टिक से, और देखते तो कितना ज्यादा मोटा है, इसको यहाँ पर कट करके देखते हैं। भाई साहब सन बोर्ड आप देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से कट करा है, ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, आप देख सकते हो इस टाइप से इसका चिंदी कर करके कट करा है इसने। भाई साहब यार ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अब डायरेक्टली कंक्रीट कट करके देखते हैं कंक्रीट कट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार अभी तक तो इसने सब कुछ कट कर दिया है। यार आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर की साइड में जो कंक्रीट था वो तो जना कहाँ चला गया, बस थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ और सारा का सारा पीछे की साइड में चला गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कटिंग करना चालू करा, और यहाँ पर देखते हो कंक्रीट को इसने पूरा का पूरा छील दिया है। थोड़ी देर इसके अंदर लगाए तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा नहीं कट करेंगे क्योंकि पानी जो है काफी ज्यादा वेस्टेज हो रहा है इसके अंदर। मैं तो पूरा गीला हो चुका है इसके अंदर, और भाई आप सभी को पता लग गया होगा कि पानी के अंदर कितना ज्यादा पावर होता है। और भाई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना उनके अंदर भी इसी टाइप से पानी से किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, उसके अंदर तो भाई यहाँ पर जो लोहे को भी कट कर सकते हैं इजी तरीके से, लेकिन उसके अंदर बड़ी मशीनरी होती है, बड़ा मोटर होता है और बड़ा पावर होता है। यहाँ पर जो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।